नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। किरण चौधरी ने बजट को निराशाजनक बताया है, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई है। 40,000 करोड़ का लोन महंगी दर पे दिया गया। विधेयक 2022 पुरस्कृत हुआ। अब माननीय शहरी निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करता हूं। हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 पुरस्कृत हुआ। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करता हूं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पुरस्कृत हुआ। अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करता हूं। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत हुआ। अब माननीय सहकारिता मंत्री हरियाणा सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को प्रस्तावित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्कृत करता हूं। हरियाणा सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पुरस्कृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 15 मार्च 2022 प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। बड़ी और अहम खबर, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई। छठे दिन की कार्यवाही आज चली और अब कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित हो चुका है। बड़ी और अहम जानकारी, 7 विधेयक पेश किए गए हैं, संशोधन विधेयक 7 पेश किए गए। हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। इस तरह से 7 विधेयक पेश किए गए। बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और छठे दिन की कार्यवाही आज हंगामेदार रही। डाडम खनन क्षेत्र हादसे को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो वहीं सदन के समाप्ति के समय 7 संशोधन विधेयक भी पेश किए गए। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली डाडम हादसे को लेकर। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने तो वहीं बजट पर चर्चा के दौरान भी कई गंभीर सवाल उठाए गए किरण चौधरी की ओर से। सरकार स्थिति स्पष्ट करे और श्वेत पत्र लाए, किसानों की आय दोगुनी कैसे की जा रही है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लगातार कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। हंगामेदार रही सदन के छठे दिन की कार्यवाही। अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली।